केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में, मैं हूँ आपके साथ वरना। बिहार की ओर रुख करते हैं जहाँ पे नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। प्रत्याशीगण वोट इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, प्रचार करने में लगे हुए हैं और इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता इस वक्त बिहार में है और फिलहाल उनके साथ में है रूबी देवी जो है बांका नगर परिषद वार्ड नंबर 17 से, जो वार्ड पार्षद प्रत्याशी है जिनका चुनाव छाप वायुयान है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किन उद्देश्य के साथ ये चुनाव में उतरे हैं और क्या कुछ परिवर्तन ये अपने क्षेत्र में लाना चाहते हैं। इन तमाम सवालों के साथ आइए हम इनसे जुड़ते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में तीसरे नगर निगम का चुनाव होना है, चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी दंगल है। सारे प्रत्याशी एक दूसरे को शहर मात का खेल देने के लिए तैयार हैं, अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं, नामांकन करके चुनाव चिन्ह ले आए हैं और एक दूसरे को सहमत का खेल देने के लिए तैयार है। अभी हमारी पूरी टीम बांका जिला के वार्ड नंबर 17 में है और यहाँ के जो निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं और भावी वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं रूबी देवी और उनके प्रतिनिधि चंद्रशेखर जी से मेरी मुलाकात हुई, उनसे ही जानते हैं कि उनका पिछला कार्यकाल कैसा रहा और इस बार क्या क्या काम करने के लिए आ रही हैं मैदान में। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका पिछला कार्यकाल कैसा रहा? मेरा पिछला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। क्या क्या काम हुआ था? काम जो हम लोग का है, नली गली और जैसे इंदिरा आवास है। कितना कितना पास हुआ था आवास? कितना पास हुआ आवास? लगभग 6-7 पास हुआ था। बहुत अच्छी बात। और सड़कें? सड़कें तो कम से कम 10-12 सड़क, 12-14 सड़कें बनी थी। नाला भी उतना ही, उससे ज्यादा 12-14। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेंशन की, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, लक्ष्मी बाई पेंशन, इस तरह का पेंशन, तमाम पेंशन कितना पास हुआ था? हाँ बताइए, पेंशन के बारे में बता रहे थे। पेंशन वही 30-40 साल का हम पास कराए हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग हो, या फिर मृत्यु हुआ उसका पैसा दिलवाना हो, ये सब हम काम कराए हैं और दिए भी हैं। दिए भी हैं। इस बार फिर से चुनावी मैदान में है, इस बार जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे? चंद्रशेखर जी आप बताए। जितना बचा हुआ है रोड नाला है वो सब टोटल का निर्माण करवाएंगे। और क्या क्या काम हो सकता है? महिलाएं के लिए 4 स्टैंड पोस्ट जी, 4 स्टैंड पोस्ट दिए हैं जी, उसको लगना 1 महीना के अंदर वो लग जाएगा जी। और जो बचा हुआ है सब गली नली जी, वो सबको कम्प्लीट करेंगे। अब हम बात करते हैं, आपने बताया कि महिलाओं के लिए काम करेंगे, क्या काम होगा? जीविका के द्वारा हम लोग महिलाएं के लिए उत्सुक करते हैं, क्या काम करने के, जैसे यहाँ पे फैक्ट्री खुलने वाला है बिस्किट का, उसमें महिलाएं सब लगी हुई है, उसमें उसका काम मिलता है। रनवे से रहा है लोग की महिला, वहाँ भी काम करती है, वहाँ भी जाती है। जैसे कोई काम ऑफिस में आया, जैसे बाल्टी बांटना है, कूड़ा का गोदाम बांटना है, सब काम हम लोग जीविका द्वारा करवाते हैं, उनको भी रोजगार देते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ उनके समर्थक हैं, क्या नाम है मैम आपका? प्रीति मैम, ये बताएं, रूबी मैम चुनावी मैदान में है इस बार, इन्होंने बताया कि पिछला कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया था, इस बार किस उम्मीद से आई हैं? देखिए, पिछला कार्यकाल जैसा रहा उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो बहुत ही सकारात्मक रवैया है, माहौल भी बहुत ही पॉजिटिव बना हुआ है और मानना है कि इस बार जो भी करेंगे, इतना विश्वास है हम लोगों को कि जो भी करेंगे बेहतर ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो महिला के उत्थान के लिए हो, चाहे वो सड़क निर्माण हो, या कोई भी और कार्य हो, जैसे पेयजल की सुविधा के लिए हो, या मंदिर के आसपास का माहौल हो, या आसपास का सामाजिक जो माहौल है वो एक जैसा बना रहे, समरसता रहे, बेहतर ही करेंगे। इसीलिए हम लोगों का एकदम ब्लाइंड समर्थन इनके तरफ है और ये हम आशा करते हैं और हम लगभग श्योर है कि ये आना इनका तय है, जिस हिसाब से माहौल है और जो सामाजिक संरचना है उसके हिसाब से इनका आना तय है। बच्चों की शिक्षा पे कैसे जोर दिया जाए? देखिए, शिक्षा के लिए जिस हिसाब से ये कभी किसी जातीय बंधन को नहीं लेती है, किसी पर्टिकुलर जाति में देखा जाता है कि शिक्षा का अभाव ज्यादा है और कहीं पर लोग ठीक ठाक जागरूक है, तो जिस हिसाब से ये एक जैसा हर जगह माहौल बनाए हुए हैं, हर जाति को एक जैसे तराजू पे तौलती हैं, उस हिसाब से ये बहुत हद तक चांसेस है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको, उनके उत्थान के लिए, उनकी लड़कियों के लिए खास करके आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास ये कराएंगी, ये हम लोग आशा करते हैं। और प्रेरणा स्रोत ये खुद ही है, एक महिला उभर के आगे है, हर किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये खुद एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है पूरे समाज। बहुत अच्छी बात है। लास्ट सवाल आप ही बता दीजिए, यहाँ की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं?
मेरे हिसाब से कि बहुत ही अच्छा काम रहा इनका पिछले 5 साल का, और आगे भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे ये बिल्कुल ये तय है। तो इनको सपोर्ट कीजिए और अच्छे से सपोर्ट कीजिए, एक बार पूर्ण बहुमत से, जैसे कहते हैं कि एकदम ये आए तो लगे कि हाँ ये महिला खड़ी है और ये सबको रिप्रेजेंट कर रही है, एक अच्छा प्रतिनिधि बन करके सामने आए हैं, इसीलिए इनको वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अभी तो आपके वोट और सपोर्ट की जरूरत है और आगे ये बहुत बेहतर करेंगी, बिल्कुल करेंगी, और हमेशा हम लोगों का सहयोग रहेगा तो आगे हम लोगों के लिए ही बेहतर रहेगा। क्या नाम है आपका? रूबी देवी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? क्रमांक संख्या कितने? वार्ड नंबर 17। आपने देखा जो हमारे प्रत्याशी के समर्थक हैं या प्रतिनिधि कह लीजिए, उनका कहना है जो बेहतरीन होगा, पिछला जो काम था उससे बेहतर काम होगा, और महिलाओं के उत्थान के लिए भी ये काम करेंगी, छोटे छोटे रोजगार ये दे रही हैं, पहले से देते आ रही हैं, और सबसे अच्छी बात है भयमुक्त समाज बनाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प है, और जनता को संदेश इन्होंने बहुत अच्छा दिया। पिछले कार्यकाल को देखते के साथ हमें अब वोट नहीं दें, रिजल्ट दें, देखते हैं जनता मालिक है, जनता जनार्दन इनको कहां पे बैठाती है। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ, धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।